नमस्कार। हेलो फ्रेंड, झटपट झटपट घरेलू डिश में फिर से एक नया रेसिपी लेके आए हैं फ्रेंड। देखिए, ये सोया सीड है फ्रेंड, जो हमने रात को भिगो के रख लिए थे फ्रेंड एक बाउल। तो इस सीड का कटलेट चाट बनाएंगे फ्रेंड, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत ही पौष्टिक होता है फ्रेंड। तो चलिए हम बनाते हैं फ्रेंड। सबसे पहले एक बाउल सीड रात को भिगो के रख दीजिएगा, जो आराम से ये एकदम नॉर्म फूल जाए, एकदम सॉफ्ट हो जाए। अब इसको ले लेते हैं एक जार में फ्रेंड। देखिए, और इसके साथ ही हम चार मीडियम साइज आलू लेंगे फ्रेंड, और दोनों को मिक्स करके पीसेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, इसमें दो तीन हरी मिर्च ले लीजिए, आपको जितना तीखा खाना हो उतना ले लीजिए। लहसुन का एक चम्मच पेस्ट ले लेंगे फ्रेंड। अब इसको मिक्सी में चला लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये आलू के साथ कितना अच्छा पिस गया। इसको पूरा अच्छी तरीके से निकाल लीजिए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, ये हमारा पेन गरम हो गया। अब हम इसमें 8-10 दाने गोलकी का, 1 छोटी चम्मच जीरा और 10-25 दाने धनिया का ले लेंगे फ्रेंड। इसको अच्छी तरह चला लेंगे, थोड़ा सा रोस्ट करेंगे फ्रेंड, बस ज्यादा नहीं, ताकि अच्छे से पिस जाए, किसी चीज से क्रश हो जाए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, इसमें हमने 1 छोटी चम्मच जीरा, 20-25 धनिया का और 8-10 गोलकी लिए हैं दाने फ्रेंड। अब इसको अच्छे से गर्म होने दीजिए। देखिए फ्रेंड, अब ये हमारा गर्म हो गया। अब इसको किसी चीज से कूट लेंगे फ्रेंड, एकदम छोटा जो कुटनी है उससे कूट लेंगे, या बेलन चला के इसको थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, इसमें हम हल्का हल्का इसको थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं, एकदम ज्यादा बारीक भी नहीं करना है फ्रेंड, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा फ्रेंड, आपको पिछले जमाना वाला टेस्ट आएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, हम इसमें पूरा नहीं देंगे, 1 छोटी चम्मच देंगे। अगर बच जाए फ्रेंड तो ये रख दीजिए, ये सब्जी में बहुत काम आएगा फ्रेंड, इससे सब्जी बहुत ही टेस्टी होगा फ्रेंड। तो देखिए, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे फ्रेंड नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल ले फ्रेंड, और ये पानीपुरी मसाला फ्रेंड थोड़ा डाल लेंगे। 1/2 चम्मच कुटा हुआ डाल लीजिएगा फ्रेंड मसाला, और 1 बड़ा चम्मच स्टार्च, 1 बड़ा चम्मच अरारोट के आटा इसमें डालेंगे फ्रेंड, और सभी को मिक्स करेंगे। और कुछ भी नहीं करना है, ये चाट बहुत अच्छा बनेगा फ्रेंड आपका। बस मिक्स कर लिए। हम तीन तरह की चटनी बना के रखे हैं फ्रेंड, ये चटनी के साथ ये बहुत ही अच्छा होगा फ्रेंड। जब आपको थोड़ा गीला महसूस हो फिर आप और 1/2 चम्मच डाल सकते हैं फ्रेंड, इससे कोई खराबी नहीं होगा फ्रेंड। अरारोट ये कुरकुरापन लाएगा आपके चाट में। तो देखिए, अब हम मिक्स कर लिए, अब इसका टिक्का जैसा बनाएंगे फ्रेंड। देखिए, हाथों पे आरा रोट लगाइए और इसका गोला इस तरह बनाइए फ्रेंड, ये देखिए।
एकदम अच्छे से। ये देखिए, इसी तरह हाथों पे आरारोट लेना है फ्रेंड, और इसका गोला बनाना है एकदम अच्छे से आरारोट में डिप करके। गोल घुमाते हुए तो इस तरह आप सारे को बना लीजिए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, पेन गर्म हो गया, अब हम तेल डाल लेंगे और तेल को भी गर्म होने देंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो गया, अब हम एक एक टिक्का को इस पे रखेंगे फ्रेंड, अच्छे से एकदम सुंदर से करके। ये देखिए इस तरह, और फ्लेम लो कर लीजिए फ्रेंड। आरारोट अच्छे से डीप करना है फ्रेंड, आरारोट में डीप करिएगा तब ये टिक्का बहुत ही अच्छा हो फ्रेंड। इस तरह सारे को रख लीजिए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, हम रख दिए और फ्लेम एकदम लो कर लीजिए और इसको एकदम सेकने दीजिए फ्रेंड। देखिए 2-3 मिनट के बाद इसको पलटेंगे, जब हम इसको पीसे फ्रेंड तो उस समय पानी बिल्कुल मत दीजिएगा, बिल्कुल नहीं, नहीं तो ये टिक्का खराब हो जाएगा। ये चाट बहुत ही मस्त होगा फ्रेंड। इसको धीरे धीरे पलट लेंगे फ्रेंड इस तरह। देखिए दोनों तरफ से दो दो तीन तीन मिनट इस तरह सेकेंगे फ्रेंड। ये देखिए कितना अच्छा सेक गया फ्रेंड। ये देखिए कुरकुरा क्रिस्पी एकदम सेक गया। थोड़ी देर और एकदम फ्लेम को लो रखिए और इसको सेकिए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, अब हमारा देखिए टिक्का बिल्कुल तैयार हो गया फ्रेंड। अब हम इसको चाट के लिए तैयार हैं फ्रेंड। गैस को बंद करेंगे और एक एक करके निकाल लेंगे फ्रेंड इसको। ये देखिए कितना कुरकुरी और क्रिस्पी बन गया फ्रेंड एकदम। देखिए फ्रेंड, अब इसको हम इस तरह ले लेंगे। देखिए टिक्का थोड़ा बड़ा है तो इसको इस तरह रख लीजिए फ्रेंड। और हमने देखिए ये धनिया का नॉर्मल जो चटनी होता है फ्रेंड, वो हमने इसमें नमक तेल और इमली सारा कुछ डाल के रखे हैं फ्रेंड। तो 2 चम्मच ये डाल लीजिए, आपको जितना मर्जी है खाने का फ्रेंड, ये चटनी बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड। और देखिए ये इमली की चटनी है फ्रेंड, ये इमली भिगो के रख दिए थे, इसमें नमक, काला नमक, चीनी, लाल मिर्च डाले हैं फ्रेंड। तो आप अपने स्वाद अनुसार इमली को डाल सकते हैं फ्रेंड। ये सोयाबीन सीड से बना दिए अरेबियन चाट फ्रेंड, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक रेसिपी है फ्रेंड। हमेशा झटपट झटपट घरेलू डिश पे आप यूनिक रेसिपी ही आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड। तो आप जल्दी से ये चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें फ्रेंड, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे फ्रेंड, और झटपट झटपट घरेलू डिश में अपना अनुभव जरूर लिखें फ्रेंड। अगर ये रेसिपी आप लोग को अच्छा लगा फ्रेंड तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड। और जो सब्सक्राइब कर लिया फ्रेंड थैंक यू, जो नहीं किए हैं प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नमस्कार।